भाई एक आदमी बन गया, नेक्स्ट टाइम फिर वही आ गया, तो वो तो विरासत समझेंगे ना अपनी। उन्हें तो लगता ही नहीं था, उन्हें तो जो ये लग रहा था कि कोई और है ही नहीं, ना कोई और किसी का कोई मसला है। मुझे सबसे पहले लोगों के अंदर वो विश्वास जगाना है कि प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि हमें जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा गवर्नमेंट से फ्री दी जाती है। कम से कम हम अपने बच्चों को वहाँ भेजें और जो है ना, जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उठाएं। जो प्रधान द्वारा शिक्षा समिति बनाई जाती है उस पर लोगों का विश्वास बिल्कुल ख़त्म है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे उसमें शिक्षा समिति का कुदरत ने मुझे अगर गांव का प्रधान चुना तो मैं एक गांव में ऐसी शिक्षा समिति का जो है बनाऊंगा कि लोग इन छोटे छोटे स्कूलों में ना भेज करके जो हमारे पास प्रोफेशनल टीचर जो हमें दिए हैं गवर्नमेंट ने, उनके पास अपने बच्चों को भेजें। नमस्कार, मैं प्रवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं नगला घुबड़ा गांव में। जैसे कि गली गली घूम घूम कर हम आपको भावी उम्मीदवारों से बातचीत करके बता रहे हैं कि किसके क्या मुद्दे हैं ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में। ऐसे ही हमारे साथ ग्राम पंचायत नगला घुबड़ा से उम्मीदवार हैं उस्मान जी, आइए बातचीत करेंगे, पूछेंगे इनसे आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं गाँव में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे गांव में आए और हमारे गांव की समस्या को जानना चाहा। हमारे गांव के मुद्दे बहुत सारे हैं, एक नहीं अनेकों मुद्दे हैं। मुद्दा सबसे पहले मैं समझता हूं गांव में जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना चल रही है स्वच्छता अभियान, उस पर कोई काम नहीं किया गया। पिछले ग्राम प्रधान जो रहे हैं वो कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। जो प्रधानों के अधिकार जो हमें पंचायत राज एक्ट ने सशक्ति दी है ग्राम प्रधानों को, उसका कोई इस्तेमाल कभी नहीं किया गया, बल्कि कमीशन खोरी का काम प्रधान करते रहे। जो भी सरकार से बजट आता था किसी भी बजट के रूप में, उसमें कमीशन लेना और दूसरा कोई कार्य नहीं हुआ। आप भी गांव में घूर के देख सकते हैं, तालाबों का बुरा हाल है, गाँव के रस्तों का बुरा हाल है, और सबसे जो मेन चीज़ है मैं आपको बताऊं, हमारे गांव के कब्रिस्तान का बहुत बुरा हाल है। कब्रिस्तान के गेट के ठीक सामने, आपको मैं विज़िट कराऊं वहां की अगर, तो कब्रिस्तान के गेट के ठीक सामने लोगों ने गोबर की कुल्डी डाली हुई है। जो कब्रिस्तान जो हमारा आखिरी मुकाम है, जो कि हमें बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंद मचाई हुई है। आज तक किसी प्रधान ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपसे मैंने सवाल पूछा है कि आप किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं, पूर्व प्रधान की बात अलग हो गई, वो दूसरा सवाल है, मैं आपसे उसके बाद में आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आपसे मैंने पूछा आप अपने क्या मुद्दे हैं जो क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं। चलिए पहले आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में वोट कितना है, मतलब टोटल पोलिंग कितनी है? 2500 समथिंग है। 2500 समथिंग पोलिंग में जब आप 2500 लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, तो आप उनसे क्या वादे करेंगे, आप क्या काम करेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? मैंने बताया ना, मेरे यही मुद्दे हैं कि मुझे सबसे पहले कब्रिस्तानों का सौंदर्यीकरण कराना है, मुझे शमशान घाटों का भी सौंदर्यीकरण कराना है, गांव के तालाबों को सौंदर्यीकरण कराना है, और ख़ास तौर से शिक्षा के सेक्टर में हमारे गाँव में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर 2 टीचर आते हैं और 5 भी बच्चे वहाँ पर स्कूल में नहीं जाते। लोगों का प्राइमरी सरकारी प्राइमरी स्कूल से बिल्कुल विश्वास उठ गया है। मुझे सबसे पहले लोगों के अंदर वो विश्वास जगाना है कि प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि हमें जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा गवर्नमेंट से फ्री दी जाती है। कम से कम हम अपने बच्चों को वहाँ भेजें और जो है ना, जो सरकार की जो योजनाएँ चल रही हैं उनका लाभ उठाएँ। पूर्व प्रधान कौन थे आपके गाँव में? पूर्व में कई एक प्रधान रहे, एक कमर आलम प्रधान थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी बीच में, उसके बाद फिर उप प्रधान चार्ज पे रहे, तो यही थे लोग। उन्होंने क्या कार्य किए क्षेत्र की जनता के लिए? पूर्व प्रधान, मैंने सुना कि आपके गांव में पिछले 4 योजना एक ही घर में रही है। नहीं, एक ही घर में 4 योजना नहीं कह सकते हैं, इससे पहले एक और थे, वो दूसरे परिवार से थे, ऐसा नहीं है। उससे पहले वो जो इस बार प्रधान थे उनके परिवार में थी, ऐसा नहीं बदलते। 2 योजना रही एक घर में, कंटिन्यू रहा उनके पास, लगभग 20 साल तक उनके पास रहा, बीच बीच में वो लोग आते रहे, ज़्यादातर सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में रही। चलिए 20 साल अगर कोई सत्ता के बीच रहा, तो आपका भी मानना होगा, कहीं ना कहीं मेरा भी यही मानना है कि 20 साल में ऐसा मतलब विकास हो जाना चाहिए था, काफ़ी गाँव के तक काफ़ी हद तक विकास हो जाना चाहिए था, क्या विकास ही नहीं हो पाया गाँव में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ साहब, काम ही नहीं किया ना उन्हें, उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, वो तो विरासत समझ रहे हैं ना अपनी। भाई एक आदमी बन गया, नेक्स्ट टाइम फिर वही आ गया, तो वो तो विरासत समझेंगे ना अपनी। उन्हें तो लगता ही नहीं था, उन्हें तो जो ये लग रहा था कि कोई और है ही नहीं, ना कोई और किसी का कोई मसला है, आप ही हो जो भी हो, तो वो क्यों विकास करेंगे,
उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं रहा। आपको क्षेत्र की जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार नगला कुबड़ा में ऐसा चुनाव होने जा रहा है कि लगभग 2200 वोटों का मैं समझ रहा हूं पोलिंग होगा, और आधे में मैं अकेला रहूंगा, आधे में सारे कैंडिडेट रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा आपका विश्वास है? कितने मतलब अपने सामने किसी की टक्कर मानते हैं? कोई है ऐसा जो लग रहा है कि कोई है मेरे सामने? नहीं, कोई फाइट में नहीं है, कोई नहीं है फाइट। देखिए, बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव में कहीं ना कहीं प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए चिकन दारू वगैरह बांटने का प्रयास करते हैं, तो आप अगर बांट नहीं रहे हैं, पहले मैं आपसे सवाल करूँगा, क्या आप बांट रहे हैं? मैं आपको बताऊँ भाई साहब, पहली बात तो लोकतंत्र की जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें ताकत दी है, मैं उस पर बिलीव करता हूँ। मैं नहीं रखता इस चीज़ को, मैं कतई नहीं मानता कि किसी को दारू पिला के या किसी को चिकन खिला के। इसका मतलब आप नहीं? नहीं, नथिंग नथिंग। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल, अगर जो और प्रत्याशी हैं उनको रोकने के लिए कोई ऐसा प्रयास? मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, वो लोग कुछ भी प्रयास कर लें, दारू पिला लें, चिकन खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, मुझे नहीं लगता कि दारू पिला के और चिकन खिला के किसी के वोट को कन्वर्ट किया जा सकता है। आज पढ़ा लिखा वर्ग है और लोग अपने वोट की ताकत को समझते हैं। आपने बात कही कि क्षेत्र में शिक्षा कम है और आप बात कर रहे हैं पढ़ा लिखा वर्ग है, जब शिक्षा कम है तो पढ़ा लिखा वर्ग कैसे है? मैं बता देना चाहता हूँ आपको, यही तो कह रहा हूँ, मैंने गाँव की प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पर क्वेश्चन उठाया है, ना कि मैंने कहा कि मेरे गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं है। मेरे गांव में लोग आज के वर्ग में नया जो ब्लड है वो तकरीबन 99% पढ़ा लिखा है, लेकिन मैंने ये कहा कि प्राइमरी स्कूल में जो 8वीं तक की शिक्षा हमें फ्री में मिलती है उससे लोग फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, क्योंकि सरकारी शिक्षा पे लोगों का विश्वास खत्म हो चुका, जो प्रधान द्वारा शिक्षा समिति बनाई जाती है उस पर लोगों का विश्वास बिल्कुल ख़त्म है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे उसमें शिक्षा समिति का कुदरत ने मुझे अगर गांव का प्रधान चुना तो मैं एक गांव में ऐसी शिक्षा समिति का जो है बनाऊंगा कि लोग इन छोटे छोटे स्कूलों में ना भेज करके जो हमारे पास प्रोफेशनल टीचर जो हमें दिए हैं गवर्नमेंट ने, उनके पास अपने बच्चों को भेजें, मैं इसके लिए जो है लोगों को अवेयर करूँगा। देखिए, बात की जाए आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता के लिए आपने पूर्व समय में कहीं ना कहीं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा ही सबका ही मानना है कि क्षेत्र की जनता के बीच जब तक आदमी नहीं आता है तब तक क्षेत्र की जनता ये कहती है कि वोट से पहले तो ये कभी दिखाई नहीं दिए, अब ये वोट मांगने आ गए। तो ऐसे ही आपने पूर्व समय में क्षेत्र की जनता के लिए ऐसा क्या किया है, या फिर आप उन लोगों के बीच में रहे हो जो आपको लग रहा है कि क्षेत्र की जनता बहुत ये आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। मेरे सामने जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनके से आपको अवगत करा दूँ, एक कैंडिडेट कर्नाटक में गुड़ की चरखी चलाते हैं और नॉमिनेशन से 2 दिन पहले आके उन्होंने नॉमिनेशन किया है, ये तो उनका सामाजिक स्तर है। और दूसरे अन्य कैंडिडेटों का भी बुरा हाल है, अगर 2 महीने पहले तक भी उनको पूछा जाता कि आप चुनाव लड़ोगे क्या, तो वो कहते थे कि देखते हैं, ऐसा ना समाज के प्रति उनको कहीं चलना पड़ जाए या उनको कुछ करना पड़े। रह गई मेरी बात, मैं पिछले 15 साल से मैं रात को अगर 12 बजे भी कहीं मेरी किसी को ज़रूरत पड़ती, ये आप इंटरव्यू में पूरे नगले में ले सकते हैं इस चीज़ को, अगर रात में 12 बजे भी मेरी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने परिवार की तरह, जिम्मेदारी जैसे मैं अपने परिवार की निभाता हूँ, उसी तरह मेरे लिए मेरी पंचायत मैं अपना परिवार मानता हूँ और उनकी जो है उस जिम्मेदारी पे खरा उतरने का काम करता हूँ। पिछली 15 साल से क्षेत्र की जनता के बीच में पहली योजना है आपकी चुनाव लड़ने की? नहीं, इससे पहले एक इलेक्शन लड़ चुका हूँ मैं, उसमें पहला दूसरा तीसरा? नहीं, उसमें मैं जो है ना मेरा वोट डाइवर्ट हो गया था और मैं चुनाव हार गया था। मतलब कितने वोटों से ऐसा? मतलब उसमें तो चुनाव ये समझो आपके, हम 4 कैंडिडेट थे तो 3 कैंडिडेट 10 वोटों के ऊपर नीचे रहे थे, हम 10-12 वोटों में, वो रिकॉर्ड इंटरनेट पे पड़ा है। चलिए, ये उस्मान जी हैं, ये प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं नगला कुबड़ा से, इस सबकी तरह इनका भी यही कहना है कि क्षेत्र की जनता के लिए विकास करूँगा। 26 को मतदान, 28 को मतगणना, सबके लिए एक ही लाइन, इनकी किस्मत भी उसी पेटी में बंद होगी। 26 तारीख को क्षेत्र की जनता जब अपना मताधिकार कर जाएगी, 28 को मतगणना होने के बाद देखा जाएगा कि नगला कुबड़ा में किसके सर पे ताज उड़ेगा। इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।